हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं, और ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसके अलावा आप किसी भी टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, जो हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ये मॉर्निंग में 8 AM टू 9 AM के आसपास आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और ये जो एजुकेशन बेस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसका टाइमिंग क्या है, इवनिंग में 7 PM टू 8 PM के आसपास आपको ये लेक्चर मिल जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आ जाइए, अब देखते हैं। देखो, ये आज मॉर्निंग का लेक्चर था, जो करंट अफेयर्स वाला लेक्चर था। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये पेटीएम की खबर थी, तो ये पेटीएम वाली जो खबर है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखें। इसके अलावा इंडियन नेवी के द्वारा एक स्पेस सेंटर डेवलप किया गया, तो ये स्पेस सेंटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। इसके अलावा ये सक्षम ऐप है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए लॉन्च करी गई है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये पल्सिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो पल्सिस का इम्पोर्ट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये इस पूरे लेक्चर में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था कि जो पल्सिस है, वर्ष 2022-23 में 24.5 टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 45 लाख टन हो गया है। तो इंडिया का जो पल्सेस है वो क्या है, बढ़ रहा है, जबकि भारत क्या है, एक प्रमुख प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। तो इसको बहुत डिटेल में समझा था। उसके बाद हमने क्लाइमेट चेंज पर समझा था, तो ये क्लाइमेट चेंज जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। फिर उसके बाद में हमने ये वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI ब्यूटी पेजेंट के बारे में समझा था, यहाँ पर जजेस भी क्या होंगे, AI जजेस के बारे में था, ठीक है। उसके बाद में गया BS3 के बारे में समझा था। तो ये गया BS3 हमारा क्या है, सेकेंड नियरेस्ट ब्लैक होल है अर्थ के, जो हमारे पास है, हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेकेंड पास में, तो पहला पास में कौन सा ब्लैक होल है, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा था। तो जिसने नहीं समझे वो करें, उसका आंसर है ना। और देखिए, हमारे एक स्टूडेंट है श्रवण शुक्ला जी, वो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। और श्रवण शुक्ला जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएं अपने जीवन में, बहुत अच्छे से जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, उसी तरीके से और लोगों को भी मोटिवेट करते रहें और अपने जीवन में हमेशा तरक्की के राह पर आगे बढ़ते रहें। हमारी यही वो आपके लिए बेस्ट विशेष है, जो थोड़ा सा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, कोंडा रेडी ड्राइव। तो कोंडा रेडी ड्राइव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरी इनहेबिटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड केरला। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोंडा रेडी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है, इसका आंसर आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरला। तो देखो, केरला, झारखंड, उड़ीसा में नहीं करती है, ये कहाँ करती है, ये प्रिमेटिव ट्राइब है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में निवास करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अजय, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड, तो ये कहाँ हुआ था, हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। देखो, सिर्फ देखने वाले देखते रह जाते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो आप अपने जीवन में मेहनत को अपनाएं, देखने को छोड़ें, ठीक है। तो पोखरण में नहीं, न्यू दिल्ली में नहीं, वाराणसी में नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू, नेपाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड हुई। आ जाइए, अब आज के लेक्चर पर चलते हैं। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है वो किस पर है, वो है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो फोटो देख रहे हैं, मैं एक बार फोटो जूम कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये फोटो इधर नहीं आएगी, ये फोटो इधर नहीं आ रही है, ठीक है, एक मिनट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रही है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये सैटेलाइट चक्कर लगा रही है। तो ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों के अंदर साइंस के प्रति, इनोवेशन के प्रति एक जागरूकता लाना, वो इनोवेशन करने में कभी घबराए ना, चाहे वो मतलब जब भी इनोवेशन, इनोवेटिव कुछ आइडिया इन्वेंट करें, तो उसको एक एज ए बर्डन ना ले, एज ए इंजॉयमेंट के हिसाब से आगे बढ़े। तो साइंस मैथ के क्षेत्र में बच्चों का रुझान पैदा करने के लिए ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। अजय, इसको इसके बारे में समझते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, उनको साइंस के प्रति, उनको इनोवेशन के प्रति जागरूक करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 9 जुलाई 2015 को स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये आविष्कार लॉन्च किया था। इनका मानना ये था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी चीज थोपनी नहीं चाहिए। वो जब भी बच्चों को कोई चीज सिखाई जाए, बताई जाए, तो वो इस तरीके से होनी चाहिए वो उसको इंजॉय करें, ना कि वो उसको एज एन ए बर्डन है। तो इस तरीके के थॉट्स लेके ये आगे चलते थे, ठीक है। तो इसके अंदर RAA, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में एक अभिसरण ढांचा है। तो RAA का मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। जब भी मैं RAA बोलूंगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, RAA का मतलब है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की हम बात कर रहे हैं, जो कि 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, प्रयोग, अनुमान, ड्राइंग, मॉडल निर्माण आदि के माध्यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो जो साइंस, गणित और जो टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, किस तरीके से सीखें, उनको इनोवेटिव आइडियाज या इनोवेशन के थोड़ा नई नई टेक्निक्स के बच्चों के अंदर इस तरीके की हैबिट डेवलप की जाए, जिससे वो जो मैथ, साइंस और रीजनिंग, इनसे क्या बच्चे दूर भागते हैं। उनको इस तरह के सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डनफुल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो उसको एज एन एंजॉय एंजॉय करते करते सीखे, क्योंकि ये सब ट्रिक है। अगर आप थोड़ा समझ के चलेंगे, मैथ साइंस को तो बहुत ईजी लगती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में परामर्शदाता संस्थान बनने के लिए प्रोत्साहित करके और विज्ञान गणित के अध्ययन में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों की सहायता करके स्कूली बच्चों के बीच जिज्ञासा, उत्साह और नवाचार अन्वेषण की भावना पैदा करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बच्चों के अंदर क्या लाना है, इस तरह की भावना डेवलप करनी है जिससे वो बहुत ज्यादा एनक्रेज एनक्रेज फील करें, एनर्जेटिक फील करें, इनोवेशन के प्रति उनका रुझान बढ़े, ये वाली चीजों को ध्यान रखें। तो आप देखिए यहाँ पर जो टारगेट ग्रुप है, इस पेज से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो, टारगेट एज ग्रुप की जब भी बात करेंगे तो एज कौन से, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लॉन्च किया गया है। अगर हम टारगेट क्लासेस एंड कोर्सेज की बात करें तो ये जो क्लासेस है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड करके चला है। दूसरी अगर हम बात करें ओपन स्कूल्स की बात करें तो वहां पे भी 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल स्कूल्स की फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो वहां पर भी ये सभी बच्चों को लेकर चलता है जो क्लास 1 से लेकर 12 में पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर ब्रिज प्रोग्राम, तो उन स्कूलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं या फिर लोकल बॉडी के जो स्कूल्स हैं, वहाँ सभी जगह इस स्कीम को लॉन्च किया गया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल स्कूल्स हो गए डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए, वहाँ पे भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को ओपन स्कूल सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एंड स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर हमने पहले ही देख लिया था। देखो यहाँ पर क्या बात करता है, स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है ये समग्र शिक्षा। आपने समग्र शिक्षा के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो हम इस पे एक डिटेल लेक्चर लेकर आएंगे जिससे आपकी और ज्यादा तैयारी हो सके, ठीक है। तो समग्र शिक्षा के तहत प्रदान किए गए RAA, ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रमुख हस्तक्षेपों में विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेले, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन, उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए एक्सपोजर, अध्ययन दौरे, इंटर स्कूल, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की भागीदारी शामिल है। विज्ञान और गणित प्रतियोगिता, ओलंपियाड, स्कूल विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, डिजिटल मॉडल सहित शिक्षण उपकरण और सामग्री का उपयोग, और विज्ञान और गणित शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग, यह एक चालू कार्यक्रम है और सभी स्कूल छात्रों के लिए है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, ये सब चलता रहेगा जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे। तो आविष्कार के लिए बच्चों को क्या है, जागरूक करते जाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, अब आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, काफी सारे 3 4 5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बताइए हाल ही खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है। तो व्हाट इज कैलिस्टो रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये जुपिटर का एक मून है, सैटर्न का मून है, इन्वेसिव प्लैनेट है या एंशियंट इरिगेशन टेक्निक है, ठीक है, प्राचीन सिंचाई तकनीक है, आक्रमण पौधा है, ठीक है, शनि का चंद्रमा है, बृहस्पति का चंद्रमा है, इन्वेसिव प्लांट बोला प्लानिट का, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।
वॉट इज KSTR का स्तर रिसेंटली सीन इन न्यूज? एंटी ड्रोन सिस्टम है, साउथ कोरियन फ्यूजन रिएक्टर है, साउथ कोरियन नेवल वेसल है, फूड कलरिंग एजेंट है। देखो जब भी कस्टर लिखा हुआ है तो इसकी फुल फॉर्म होगी, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो दो तरीके के रिएक्टर होते हैं, एक होते हैं फ्यूजन रिएक्टर और दूसरे होते हैं फिजन रिएक्शन। ठीक है, फिजन रिएक्टर। तो ये जो फिजन रिएक्टर, ये क्या होते हैं, एक एटम होता है ये इसमें से बट के अलग अलग छोटे दो एटम बनाते हैं, जबकि फ्यूजन रिएक्टर के अंदर क्या होता है, ये दो छोटे छोटे रिएक्टर आपस में मिलकर एक क्या करते हैं, एक नया बड़ा एटम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। और यहाँ पर क्या है, सन के ऊपर जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन के कारण ही, हाइड्रोजन फ्यूजन के कारण ही होती है, फ्यूजन है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ ये इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, व्हाट इज हवाना सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही खबरों में रहा हवाना सिंड्रोम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का समूह जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अनुभव किया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तापमान में असामान्य वृद्धि के कारण हवाना में जीवाणु जनित रोग फैल गए। कम पोषण तीसरा ऑप्शन है, कम पोषण के कारण होने वाली अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, यह एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स दैट आर सेट टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एबनॉर्मल राइज इन टेम्परेचर लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ बैक्टीरियल डिजीज इन हवाना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कॉज ड्यू टू अंडर नरिशमेंट। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 4, ये चार क्वेश्चन दिए हैं मैंने आज, तो बताइए सांझी क्राफ्ट रिसेंटली गॉट ए जीआई टैग। तो हमने जीआई टैग में इसके बारे में डिस्कस किया था, बताइए। ठीक है, बिलोंग्स टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। जो हमारे करंट अफेयर्स वाला लेक्चर है उसके अंदर हमने जीआई टैग जब डिस्कस किया था तो इसके सांझी टैग के बारे में भी डिस्कस किया था। तो बताइए कि सांझी टैग किस स्टेट से रिलेटेड? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सांझी शिल्प, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या केरला? तो ये चार क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से, अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते, 8 11, सॉरी 8118161101 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं आप मुझे कमेंट करके, या फिर हमारी जीमेल आईडी पे कहीं भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे लेक्चर के नीचे कमेंट में लिखेंगे तो आपको तुरंत विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।